तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। प्लीज आई काइंडली रिक्वेस्ट। तो हमारी राइज अप स्टार सीरीज की प्रभास अन्ना वाली वीडियो पर हमें आपका काफी धांसू रिस्पांस मिला, जिसमें हमने सरल शब्दों में प्रभास की इंटायर जर्नी को काफी मस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है। और प्रभास अन्ना की फेनोमेनल फैन फॉलोइंग और आपके डिमांड ने हमें ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दिया। अब वैसे तो भाई, जब सालार आई तो कुछ यूट्यूबर से लेकर दूसरे ज्ञानी बाबा ने इसके कलेक्शंस को फेक बताया और कॉर्पोरेट बुकिंग के एलिगेशंस भी लगाए। लेकिन आज नेटफ्लिक्स पर इंडिया बांग्लादेश में अब तक बिना हिंदी में रिलीज हुए सालार नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। और आप मानोगे नहीं, नॉन इंग्लिश कंटेंट में पूरे वर्ल्ड में ये हाईएस्ट व्यूड फिल्म में थर्ड नंबर पर रैंक कर रही है। बोले ऐसा सुपरस्टार जिसने बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद तीन तीन फ्लॉप या एवरेज फिल्में दी। लेकिन फिर भी प्रोड्यूसर भूषण कुमार कहते हैं कि प्रभास की फ्लॉप फिल्में भी दूसरे स्टार की हिट फिल्मों से ज्यादा कमा के जाती हैं। तो भाई आज आपको बताएंगे कि क्यों आने वाले कुछ सालों में प्रभास के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। और कल्कि 2898 जैसी इंडिया की अब तक की बिगेस्ट बजट एंड प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्मों के अलावा प्रभास की और कौन कौन सी फिल्में आने वाली है और अपनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं वो। तो भैया, प्रभास के फैन हो या हेटर गुरु, ये वीडियो आपका पर्सपेक्टिव पूरी तरह से चेंज कर देगा। तो भाई वैसे तो मैं ये एस्ट्रो में नहीं मानता, लेकिन 2017 में आई बाहुबली के बाद 7 साल तक साढ़े साथी ने प्रभास की खूब बजाई। इस टाइम उन्होंने सबसे बड़ा रिस्क लिया बॉलीवुड या यूं कहें हिंदी ऑडियंस से डायरेक्टली कनेक्ट करने का विद हिज ओन वॉइस इन साहो एंड राधे श्याम। और भाई बिना डरे इन्होंने डिफरेंट जॉनर्स की फिल्में भी ट्राई की। प्रभास की मदर टंग हिंदी तो थी नहीं, इसलिए ऑडियंस इन फिल्मों को हजम नहीं कर पाई। और जहां 2019 में आई 325 करोड़ की साहो ने भाई 450 करोड़ का कलेक्शन किया, 2022 में आई 350 करोड़ की राधे श्याम सिर्फ 214 करोड़ का। फिर भी प्रभास के करियर की अम्मी दीदी करने वाले भूषण कुमार ने क्या कहा, आप खुद ही देख लो। प्रभास इज अ पैन इंडिया एक्टर, ऑब्वियसली एज अ प्रोड्यूसर आई वर्क ऑन फिल्म्स which can work pan India. And Prabhas after Bahubali has become that kind of pan India artist and he works. Even Saho, which didn't did that kind of business, but his lowest business was also a hit business of हिंदी मूवी। तो नंबर 1 पर आती है द मोस्ट हम्बल एक्टर प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 एडी, जिसको सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है। और इस फिल्म को पहले 12 जनवरी को रिलीज करना था, लेकिन अब जाकर VFX और दूसरे कुछ पेंडिंग काम की वजह से इसकी अगली डेट 9th में डिसाइड की गई है। लेकिन जॉली भैया मई में तो कोई फेस्टिवल नहीं है, ना ही कुछ खास ओकेशन है, फिल्म मेकर्स फिल्म मई में क्यों ला रहे हैं? अब देखो टीलू, जब प्रभास सर की बाहुबली भी 10 जुलाई 2015 को आई थी ना, तभी कोई ओकेशन या फेस्टिवल तो था नहीं, फिर भी फिल्म ने 650 करोड़ का मैसिव कलेक्शन किया था और इंडियन सिनेमा का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया था। वेल, ये बात तो आपको ही माननी पड़ेगी, जब इंडियाज बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में भी 50-60 करोड़ की फिल्में बनती थी और अगर कोई फिल्म 200 करोड़ कमा ले तो भाई उसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया जाता था। लेकिन प्रभास वो पहले स्टार थे जिनके ऊपर बाहुबली के प्रोड्यूसर सोहू प्रसाद एंड देवी नैनी को इतना ज्यादा भरोसा था कि मेकर्स ने लिटरली 24% ब्याज पर बाहुबली 1 और 2 के लिए 400 करोड़ का लोन भी लिया था। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। बल कल्कि 2898 की कहानी तो भाई सुन के ही काफी फैसिनेटिंग लगती है। मतलब आज से 800-900 साल बाद यानी 2898 में जब अर्थ की सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होगी, जैसा फिल्म वाले बोल रहे हैं, और कलयुग अपने पीक पर यानी चरम पर होगा, तब नारायण के अवतार कल्कि का इनकारनेशन होगा, यानी कली राज का अंत करने के लिए कल्कि अवतरित होंगे। फिल्म में पैन इंडिया के वो सारे बड़े स्टार कास्ट आपको दिखाई देने वाले हैं जिनको आप जानते हो। पट्टियों से बंधे बीवी हमें अश्वत्थामा के रोल में दिखाई देंगे, क्योंकि अश्वत्थामा को श्रीकृष्ण ने चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया था और 7 चिरंजीवी में उनकी भी गिनती होती है। विक्रम जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद कमल हसन हमें कल्कि में एक काफी इम्पैक्टफुल रोल में खुद कल्कि के रूप में दिखाई देंगे। तो वही दीपिका एस पद्मा होगी और फिल्म में राजा मौली भी होंगे एस वेद व्यास। इसके अलावा पशुपति और विजय देवरा कोंडा भी इस फिल्म में आपको दिखाई देंगे। और आज इंडिया के नामचीन यूट्यूबर भी इस फिल्म को 2024 की सबसे बड़ी फिल्म बता रहे हैं। और लहरेंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जहां दीपिका को 20 करोड़ मिल रहे हैं, तो वही बिग बी को 10 करोड़ और कमल हसन की भी डिमांड बढ़ गई है और 15 करोड़ चार्ज कर रहे हैं। और दिशा पटानी को 2 से 2.5 करोड़ में सल्टा दिया जा रहा है। तो वही प्रभास अगेन 100 करोड़ चार्ज कर रहे हैं। और एक की बात बताऊं, इस फिल्म को 3 पार्ट्स में रिलीज किया जाना है। लेकिन अगर मैं सवाल को दूसरे तरीके से पूछती, क्या लगता है कि इंडिया की सबसे महंगी फिल्म जो भी हो उसका हीरो कौन हो सकता है? अब जवाब सबका कॉमन होता एक जैसा, बाहुबली प्रभास। फिलहाल प्रभास अन्ना की ये फिल्म मेरे लिए साल की सबसे ज्यादा अवेटेड फिल्म होगी। आदिपुरुष के बाद कल्कि 2898 की बजट 600 करोड़ बताई जा रही है और ये अब तक की इंडिया हाईएस्ट बजट वाली फिल्म भी होगी। अगेन ये एक हाई VFX वाली फिल्म होगी और मैं नाग अश्विन और प्रभास सर से इतना ही कहूंगा कि भैया आप ओम नाम के आदमी से बिल्कुल दूर रहना और उसकी बात तो बिल्कुल भी मत सुनना। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने।
वैसे भी जब सालार आई तो कुछ दिनकर दिवाकर अदिति जैसे महान और सिमिलर नाम वाले झाटू मेरा मतलब जादू यूट्यूबर्स ने सालार को ट्रोल करने की कोशिश की और उसे महाघटिया फिल्म भी बता दिया। लेकिन ये पब्लिक है सब जानती है, तो जब बकवास बतियाने के लिए उसकी खूब रिलाई और सुताई स्टार्ट हुई तो भाई 2000 लोगों ने उसे रेड चिली से बिका हुआ बतला दिया और कुछ लोगों ने तो उसे अनसब्सक्राइब करने की धमकी भी दी। वो लोग वेट ही कर रहे थे कि कब सूरज आज वीडियो डाले एंड हम बिना देखे ही पहले गाली छोड़ देते। अब इसका ग्लिम्स आता है वो भी सुबह सुबह ही समथिंग, मतलब लोगों के कांड रात को होते हैं, प्रभास भाई सुबह ही बवाल कर देते। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। सार के जैसे सुपरस्टार और राजकुमार हिरानी जी जैसे वेटरन डायरेक्टर की डंकी से भिड़कर भी सालार ने जो बवाल काटा उसे कोई भी मना नहीं कर पाया। बट सालार ने डे वन 178 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस किया, विच इज सिंपली द बिगेस्ट ऑफ 2023। जिस फिल्म के कलेक्शन पर कॉर्पोरेट बुकिंग के आरोप लगे उसी फिल्म ने हिंदी ऑडियंस में 152 करोड़ कमाए और जहाँ रिलीज से पहले कुछ बांसुरी वाले भैया और हॉलीवुड के 14 तू समझा नहीं तू समझा नहीं कह रहे थे कि फिल्म 200 करोड़ भी नहीं कमा पाएगी, तो उसी फिल्म ने भाई वर्ल्ड वाइड अब तक 611 करोड़ कमा लिए और इवन आज भी फिल्म थिएटर्स में लगी हुई है पैसा छापने में। एंड पीपल आर गोइंग क्रेजी विद प्रभास डायनासोर सालार डायनासोर। जॉली भैया प्रभास अन्ना की और कौन कौन सी फिल्में आ रही है बताओ ना। हाँ टिलू, प्रभास की अगली फिल्म राजा साहब हो सकती है। प्रभास की राजा डिलक्स जिसे बाद में राजा साहब कर दिया गया, ये एक अलग ही जॉनर की फिल्म होने वाली है और इस तरह की फिल्में आई डोंट थिंक सो प्रभास ने पहले की है। ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी, मतलब जिसे आप अक्षय सर की भूल भैया से कंपेयर कर सकते हो और इस फिल्म के डायरेक्टर है मारुति। प्रभास की वो काली शर्ट रंगीली लुंगी और रंगीला बैकग्राउंड फिल्म को लेकर एक अलग ही वाइब देता है। प्रभास के साथ साथ इस फिल्म में चार चार हीरोइनें भी दिखाई देने वाली है जिसमें से निधि अग्रवाल, वरा मालविका मोहनन और इवन अनुष्का शेट्टी भी दिखाई देने वाली है। अब इनमें से कौन चुड़ैल बनेगी और कौन प्रभास की हीरोइन वो तो वक्त ही बताएगा। इसके अलावा फिल्म में योगी बाबू, रिद्धि कुमार, सप्तगिरी और इवन नॉर्थ से लेकर साउथ तक सबको अपनी कॉमेडी से लोटपोट कर देने वाले ब्रह्मानंदन भी होंगे। ये फिल्म जनवरी 25 तक आ सकती है और चिरंजीवी की विषमभरा से टकरा सकती है। वेल मीडिया ने जब डायरेक्टर मारुति जी से फिल्म के बारे में पूछा तो वो मोदी जी की तरह भागते हुए नजर आए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सॉरी मोदी जी, मेरा मतलब नीरव मोदी से है। लेकिन कोई मोई की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस फिल्म की बजट 100 करोड़ बताई जा रही है, लेकिन मुझे इस बात पर तनिको विश्वास नहीं है। जॉली भैया शायद वो प्रभास सर की फीस के बारे में बोल रहे होंगे। अरे वाह टीलू, मेरे साथ रह के तू काफी चलाक हो गया है। यू आर चलाक ब्रो। प्रभास की अगली फिल्म अगर कोई होगी तो वो नो डाउट सालार 2 या सौरयंगा परवम है। सालार पार्ट 1 की अनप्रेडिक्टेबल और इतने सारे कैरेक्टर वाली फिल्म को देखकर थिएटर में मेरे पीछे बैठी पब्लिक बार बार यही पूछ रही थी कि भाई ये बहुत नाइंसाफी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म कहाँ है। और सच बताऊँ तो मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा था, मतलब पूरी गेम ऑफ थ्रोन्स वाली वाइब आ रही थी, बस सिक्का उछालने वाले सीन की कमी थी। राजा जी जो सपाट। लेकिन सालार 2 में प्रशांत नील ने प्रॉमिस किया है कि हमें पूरी स्टोरी अच्छे से जानने को मिलेगी और जैसा कि इसका नाम ही है सौरयंगा पर्वम, तो हमें सौरयंगा ट्राइब के साथ साथ मन्नार और गनियार सबकी कहानी अच्छे से बताई जाएगी। फिल्म की बजट अभी 300 से 350 करोड़ बताई जा रही है और अगर ये फिल्म आपको 2025 के मिड तक देखने को मिल जाएगी। लेकिन प्रशांत ने इस फिल्म के लिए क्या कहा था उसे जानकर आपको थोड़ा शौक लग सकता है। This time I'm more nervous because I like my movie. Even एक बार जब सालार और प्रभास को लेकर मीडिया ने पृथ्वीराज से टेढ़े मेरे सवाल पूछे तो उन्होंने मीडिया का मुंह ही बंद कर दिया। Like Prabhas needed this kind of a film after Bahubali, after the success of Bahubali, and you immediately made a call to him. So can you just tell us about it, what you made? You're wording my remark wrongly. I never said Prabhas needed this kind of a film. I told him that we needed to watch you in this kind of a film. So last but not the least, Prabhas की इसके बाद अगर फिल्म कोई आएगी तो वो होगी स्प्रे और इस फिल्म के डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि संदीप रेड्डी वांगा खुद होंगे। और जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला था कि प्रभास पूरे इंडिया पर रूल करेंगे तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन बताता हूँ। अब देखो भाई, बॉलीवुड में अक्षय कुमार से लेकर अजय देवगन, आमिर खान, सलमान खान, एसआर के सभी अपनी 50s या 60s में और आने वाले 4-5 साल में ये लोग ऑलमोस्ट बुढ़े हो जाएंगे और बॉलीवुड से कोई स्टार मुझे नहीं लगता कि पैन इंडिया में अपनी पहचान अभी तक बना पाया है और ये लोग उसे बनाने भी नहीं देंगे। तो फिर पब्लिक का सहारा होगी साउथ फिल्में और खासकर प्रभास की फिल्में। और वांगा ने कहा है कि स्पिरिट एनिमल और अर्जुन रेड्डी से भी बड़ी प्रोजेक्ट होने वाली है। ये फिल्म अपनी सिंघम जैसी एक वायलेंट कॉप बेस्ड फिल्म होगी जिसमें प्रभास आपको एक बवाल पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखाई देंगे। और इस फिल्म को लेकर एक रूमर भी मार्केट में आई थी कि वांगा जी इस फिल्म में प्रभास के साथ एनिमल वाले रणवीर कपूर का दंगा कराते नजर आ सकते हैं, मतलब इन दोनों जोड़ के एक नया यूनिवर्स बनाने का प्लान हो सकता है। लेकिन संदीप रेड्डी वांगा ने इस पर कुछ भी कंफर्म नहीं किया है। वैसे प्रभास और रणवीर कपूर की अगर बॉबी देओल जैसी फाइट होगी तो ग्रुप मजा आ जाएगा। श्याम बहादुर से पंगा लेने के बाद वांगा जी की इस फिल्म की रेट अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा मई 2024। लेकिन ये पूरी तरह से
बकवास डेट है, क्योंकि इसी मंथ में तो ऑलरेडी कल की 2898 आ रही है। और वंगा जी ने अपने एनिमल के इंटरव्यू में बोला था कि इसकी डेट 2025 की क्रिसमस या जनवरी 2026 हो सकती है। तो भाई ये थी प्रभास की अब तक की सारी अपकमिंग फिल्मों से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स। फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताना, और हाँ कोई सजेशन हो या हमें और किस किस तरह के टॉपिक्स डिटेल में कवर करनी चाहिए हमें जरूर बताना। तब तक के लिए हर हर महादेव।